2 साल हो गए, 3 साल हो गए, क्या उखाड़ लिया तुमने यूट्यूब पे काम करके, ऐसा कहते हैं कुछ लोग। तो मैं आज उनको ये बताना चाहता हूँ कि आखिरकार यूट्यूब पर काम करने के क्या क्या फायदे होते हैं। अगर कोई सक्सेस भी नहीं हो पाता है ना, तो भाई यूट्यूब पे काम करने के काफ़ी ज़्यादा फायदे आपको मिलते हैं, और वो मैं वन बाई वन आपको आज पूरा बताने वाला हूँ। और वो जो लोग ये बोलते हैं ना कि यूट्यूब से इन्होंने क्या उखाड़ लिया, उनके ये एक सबक होगा उनके लिए, थोड़ा बहुत सीख जाएं जरूर कि आज के बाद किसी को ऐसा ना कहें। अब हमारे प्यारे साथी यूट्यूब पर काम करते हैं, किसी को 1 साल हो जाता है, किसी को 2 साल हो जाता है, तो किसी को 3 साल हो जाता है। तो जब उनपे जो है ना यूट्यूब चैनल उनका ग्रो नहीं हो पाता है, तो आपके जो पड़ोसी होते हैं, आपके मित्र होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं ना, तो बस एक ही रेट लगा के बैठे हैं कि 3 साल हो गया क्या उखाड़ लिया इसने, 2 साल हो गया क्या कर लिया। और दूसरी बात, सबसे बड़ा दुख तब होता है जब कोई आपका पड़ोसी या आपके समाज के अंदर कोई 20 या 25 हज़ार रुपये की जॉब करने लग जाता है, वो उछलता है कि देखो मैं 20-25 हज़ार की जॉब कर रहा हूँ और ये क्या टाइम को वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो उन ऐसे लोगों के लिए एक सबक मैं आपको देना चाहता हूँ, क्या आप यूट्यूबर की टक्कर ले पाते हैं या नहीं, आप ध्यान से सुने, कान खोल कर सुन लो। बेशक यूट्यूब पर काम करके वो ग्रो नहीं कर पाया, लेकिन मैं गारंटी से इस बात को ये कह सकता हूँ कि वो उन लोगों में शामिल हो गया जिनमें 5% लोगों की गिनती आती है। क्यों? क्योंकि उसने ऐसी स्किल सीख ली जो आप नहीं सीख पाए। वो कैसी स्किल है, अब ध्यान से सुनिए। नंबर 1, उसने पूरे सोशल मीडिया को चलाना सीख लिया। सोशल मीडिया के अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत सारे ऐसे ऐप आते हैं जिनके बारे में उसे नॉलेज है। आपको क्या इतनी नॉलेज है? नंबर 2, सोशल मीडिया का सहारा लेकर पैसे कैसे कमाए जाते हैं, वो पूरा प्रोसेस उसने सीख रखा है। क्या आपको पता है कि आप सोशल मीडिया से कैसे कमा सकते हैं? नहीं पता है ना। नंबर 3, उसने बिना हेजिटेशन के कैमरे के सामने बोलना सीख लिया, जो एक अपने आप में बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। कभी आप कैमरे के सामने अपना इंट्रोडक्शन ही दिखा के देख लेना, हवा निकल जाएगी, टाइट हो जाएगी, कभी बोल नहीं पाओगे कैमरे के सामने। नंबर 4, अगर उसके सामने 1,000 लोग खड़े हैं ना, तो वो अपनी बात को ना बिल्कुल बिना डरे, निडरता के साथ में 1,000 लोगों के सामने कह सकता है। लेकिन गारंटी ले रहा हूं, जिसको ये कैमरे फेस करने या बोलना तक नहीं आता ना, जो बोलता है कि मेरी 20,000-25,000 सैलरी है, 8 घंटे जॉब करता है, वर्करों की तरह अच्छे तरीके से गधे की तरह काम करता है, वो मैं ये कह रहा हूँ 1,000 लोगों के सामने अपनी बात नहीं रख सकता। बात रखने में ना 1,000 बार ही जीव यो है ना जीव, ये लटपटाएगी आपकी। नंबर 5, यूट्यूब पे फेमस हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन बता रहा हूँ एक खोजकर्ता वो जरूर बन गया है। तुम्हें पता है कि कितनी गहराई से चीजें खोज के लाई जाती हैं यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए? नहीं पता ना, बस आज तक ऊपर ऊपर की चीजें ही पढ़ ली होंगी। भाई एक यूट्यूबर ना एक खोजकर्ता, मतलब एक पूरा ऐसे मानिए एक वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट बना मान लीजिए एक तरीके से, यूट्यूब पे अगर काम करना है भाई, इतनी गहराई से चीजें वो खोज के लाता है ना, कभी आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पा सकते। नंबर 6, वो भाई अपने काम के प्रति वफादार और मेहनती हो जाता है। कितना ही भी उसको कितनी भी बड़ी वीडियो, मतलब कितना ही भी बड़ा टारगेट दीजिए, दे दीजिए अपनी वीडियोस के लिए, अपनी किसी भी चीज के लिए, बस उसको वो पसंद होना चाहिए, वो कैसे भी करके मेहनत करेगा, पूरा का पूरा काम टाइम पे फिनिश करेगा। ये वो गुण पैदा हो जाते हैं जो 5% लोगों में ही होते हैं, जैसे कि ये बोलने वालों में नहीं कि 3 साल हो गए क्या उखाड़ लिया। आप लगाओ, कभी वर्सेस वर्सेस करो, टक्कर लेके देखो। ठीक है, अरे आप 25 कमा रहे हो, वो ज्यादा से ज्यादा 15-20 कमा लेगा। अगर आपकी ही तरह जब कुछ नहीं हो पाए यूट्यूब पे, तो किसी कंपनी में जाकर, कहीं पे जाकर 15 कमा लेगा।